बाइबल बताती है कि सुलेमान उस संदूक को जहां पे परमेश्वर के हाथ के लिखी हुई दो पट्टियां थी, जब उसको उसने परमेश्वर के परम पवित्र स्थान यानी भवन में पहुंचाया और उसके बाद सब गायक जो लोग थे, जो वो झांझ और तुरियां और सब याजक इकट्ठे हुए, बाइबल बताती जब उन्होंने वर्शिप करनी स्टार्ट की तो परमेश्वर का तेज उस भवन पे उतरा, उससे पहले नहीं। आप इमेजिन करो, परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियों के साथ भी जब वो एंटर करे उस भवन में तो भी परमेश्वर का तेज वहां पे नहीं था। कहने का मतलब, बाइबल के साथ उन्होंने प्रवेश किया तब भी परमेश्वर का तेज उस भवन में नहीं था। इसलिए मैंने कहा, परमेश्वर आपके वो किताब के में नहीं रहता, बाइबल कहती परमेश्वर आपकी स्तुतियों के बीच में विराजमान है। और लिखा, जैसे ही उन्होंने वर्शिप करनी स्टार्ट की और जैसी सारंगियां, वीणाएं, झांझ, सब याजक लोग जब वर्शिप करने लगे, तुरियां बजाने लगे, एक स्वर से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, तो लिखा परमेश्वर यहोवा के भवन में बादल छा गया और वो बादल के कारण याजक लोग खड़े ना रह सके क्योंकि यहोवा का तेज उस भवन में भर गया था। अगर आप वर्शिप करना जानते हैं, ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं है रियल वाला, असली वाला, जो परमेश्वर की बात को सुन सके बिना वर्शिप के। जब आप वर्शिप करते हैं परमेश्वर की तो आपके स्पिरिचुअल जो कान है वो खुलते हैं, वो आपसे बात करते हैं। मत्ती 15 उसकी 21 से लेके 28 आयत तक लिखा, कनानी औरत जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा थी और बाइबल कहती जब उस परमेश्वर के पास जाके वो बोली, परमेश्वर मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, मैं इज़राइल के पास ही भेजा गया हूं, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। तो बाइबल कहती उस औरत ने आकर यीशु मसीह को प्रणाम किया। इंग्लिश की बाइबल कहती है कि उस औरत ने आकर यीशु मसीह को वर्शिप किया, शी वर्शिप्ड, उसने यीशु मसीह को वर्शिप की। और परमेश्वर ने कहा, इस बात के कारण चली जा, वो दुष्ट आत्मा तेरी बेटी को छोड़ के जा चुकी। सुनो, एक बाउंड्री जो परमेश्वर ने ठहराई थी, एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर वो औरत आके आशीष नहीं ले सकती थी, बाइबल कहती वो बाउंड्री परमेश्वर ने ठहराई थी, लेकिन जैसे ही उस औरत ने वर्शिप शुरू की, परमेश्वर अपनी बाउंड्री के बाहर आकर उसे बरकत देने आ गए। हालेलुया। लोगों को लगता कि शायद आज भवन में हम वर्शिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शायद रीति रिवाज है कि हाँ, हम एक घंटा भजन गाते हैं, एक घंटा प्रचार सुनते हैं, एक घंटा गवाहियां सुनते हैं। ये कोई रीति और रिवाज नहीं। अगर आप वर्शिप करना जानते हैं, आप छूटना भी जान जाएंगे, आप गवाही लेना भी जान जाएंगे, आप सुनना भी जान जाएंगे। अगर आप मीनू चाहे, बाइबल कहती परमेश्वर का तेज उस भवन के ऊपर नहीं था जब तक उन्होंने तुरियां, सारंगियां, झांझ, और लिखा एक स्वर से सब जन परमेश्वर की आराधना करने लगे। एक स्वर से, किसी का ध्यान इस बात की ओर नहीं था। टाइम क्या हुआ है, कहां रहता है परमेश्वर, स्वर्ग में या स्तुतियों में? अगर वो स्वर्ग में रहते हैं तो स्वर्ग बनने से पहले वो कहां था फिर? क्या वो बेघर था? नहीं, लिखा उसने अपने हाथों से स्वर्ग को बनाया। स्वर्ग भी उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं है, फिर वो कहां रहता अगर उसने धरती और आकाश को और स्वर्ग को बनाया? तो वो स्वर्ग बनाने से पहले कहां था? लिखा वो इज़राइल की स्तुतियों के ऊपर विराजमान है, आपकी स्तुतियों के बीच में वो रहते हैं। हालेलुया। अगर आप वर्शिप करना जानते हैं, आप उसकी प्रेजेंस को भी जान जाएंगे, आप उसकी हुजूरी को समझेंगे, आप उसके तेज को समझेंगे। आज के बाद जब भी वर्शिप होगी, आपको यह समझ होनी चाहिए कि तब तक यहोवा का तेज, उसकी ग्लोरी आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकती जब तक आपको वर्शिप करनी नहीं आती। जब तक आप पूरे मन से आंखें बंद करके और हाथों को उठा के और पूरी ताकत से, आपको गाना आता या नहीं आता, आप पूरे दिल से अगर वर्शिप कर सकते हैं, आप उसकी प्रेजेंस को समझ जाएंगे। हालेलुया।